देख सकते हैं। देख सकते हैं इधर भाई कितना मजा आ रहा है। ये है यहाँ का नजारा। ये गोल्डन बीच का टिकट काउंटर वैलिड फॉर 3 आवर्स पर पर्सन 20 रुपीज। आप लोग भी आके यहाँ पर टिकट कटवा सकते हैं और जा सकते हैं। प्योर प्राइवेट है यहाँ पर। दो टिकट घूमने के लिए और आने के लिए। क्या घूमने के लिए और आने के लिए? नहाने का अलग प्राइस है क्या? नहाने के लिए 50 का रहेगा, वो चेंजिंग रूम शावर लाइफ गार्ड एक पास का रेट रहेगा। घूमने के लिए 20 रुपया 50 वाला कर लीजिए। अभी हम लोग सी बीच से नहा के आए और फिर अभी गोल्डन बीच में आए हैं नहाने के लिए। तो हम लोग अभी वो गोल्डन बीच से निकल चुके हैं और ये है वेलकम टू नीलाद्री बीच। और हम लोग जा रहे हैं नीलाद्री बीच होते हुए अपने होटल की ओर। पूरा यहाँ पर मछली है भैया, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा मछली देखिए निकाला जा रहा है। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहीं, ये गोल्डन बीच, यहाँ शायद गोल्डन बीच का एंट्री है, एंट्रेंस है। सर कितना चार्ज है? चार्ज फ्री है। ओ यहाँ क्या होता था फिर? गाड़ी का। ओ चलो चलते हैं, भीग लेते हैं और एक बार खा पी के। 20 रुपीज है। ये है गोल्डन बीच का एंट्रेंस, गोल्डन बीच भी घूम लेते हैं जब आ ही गए हैं तो। ये है यहाँ का एंट्रेंस, बहुत मस्त नजारा है। ये गोल्डन बीच का टिकट काउंटर वैलिड फॉर 3 आवर्स पर पर्सन 20 रुपीज। ये है यहाँ गोल्डन बीच का, गोल्डन बीच प्राइवेट है। चलो हम चलते हैं, 3 घंटा बहुत है। ये है टिकट काउंटर। आप लोग भी आके यहाँ पर टिकट कटवा सकते हैं और जा सकते हैं। प्योर प्राइवेट है यहाँ पर। दो टिकट घूमने के लिए और आने के लिए। क्या घूमने के लिए और आने के लिए? नहाने का अलग प्राइस है क्या? नहाने के लिए 50 का रहेगा, वो चेंजिंग रूम शावर लाइफ गार्ड एक पास का रेट रहेगा। घूमने के लिए 20 रुपया 50 वाला कर लीजिए बस। घूमने तो नहीं, 50 पर पर्सन। हाँ नहाने के लिए 50 पर पर्सन, वो डे पास का वैलिड रहेगा। सब चीज रहेगा उसमें, चेंजिंग रूम शावर लाइफ गार्ड सब सबका फैसिलिटी मिलेगा। 50 वाला डे पास का, पूरा दिन भर का, पूरा दिन भर का। वो तो एक मिनट हाँ ले लेता है ना, क्या करेंगे अभी तो टाइम है ना, पूरा शाम तक रहेंगे। ये है गोल्डन बीच का एंट्रेंस, वे टू सी बीच। ये देख सकते हैं हम लोग पहुंच घुस चुके हैं गोल्डन सी बीच। और ये 50-50 चार्ज लगा यहाँ पर। ड्रिंक सिगरेट दिस बैन है, तो यहाँ पर आए और ये सब ना लाएं प्लीज। ये पर टिकट एंट्री एंट्रेंस। ये है इधर का एंट्रेंस, देख सकते हैं हिस्टोरिकल स्टैचू बना हुआ है। वही ना, तो अलर्ट फास्ट एड स्टेशन। हे गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं गोल्डन बीच में, शायद यही है। पूरा मस्त है। अभी हम लोग नहा, अभी हम लोग सी बीच से नहा के आए और फिर अभी गोल्डन बीच में आए हैं नहाने के लिए। देख सकते हैं 50 का चार्ज लगा है। ये है यहाँ का नजारा। ये देखिए यहाँ पर फैमिली पूरा नहा रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने के लिए। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग हाँ यहीं पर घुसेंगे ना। हाँ। पर तो यहाँ पर हम लोग सामान रख रहे हैं और यहाँ का नजारा आप देख सकते हैं कितना क्लीन,
पूरा क्लीन है और क्राउड भी नहीं है ज्यादा क्योंकि प्राइवेट बीच है। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग नहाने जा रहे हैं अभी। ये हमारा कैमरा ये है पुरी का गोल्डन बीच देख सकते हैं। देख सकते हैं इधर भाई कितना मजा आ रहा है। माय कैमरा इज डूबिंग डूबिंग यहाँ पर जमींदार पैलेस करके भी एक होटल है देख सकते हैं और ये गोल्डन पैलेस। तो है गाइस हम लोग यहाँ गोल्डन बीच में नहा लिए, बहुत मजा आया। दो बार नहाए, एक तो वहाँ मरीन ड्राइव वाला बीच में नहाए पूरी बीच और यहाँ पर गोल्डन बीच में भी नहाए, बहुत मजा आया। यहाँ पर ज्यादा क्राउड नहीं है वैसे, पर ये प्राइवेट बीच है इसीलिए और क्लीन भी है पूरा, मस्त लगा। तब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की ओर, थोड़ा सा यहाँ गोल्डन बीच के बगल में हम लोग का होटल है। तो हम लोग अभी वो गोल्डन बीच से निकल चुके हैं और ये है वेलकम टू नीलाद्री बीच और हम लोग जा रहे हैं नीलाद्री बीच। नहीं दूर है जी ना, अरे ना दूर है, वहीं तो है ये वाला है, ये वाला हम लोग चल के आए थे यहाँ से वहाँ। हे गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं होटल के ओर, गोल्डन बीच में नहा लिए और पब्लिक बीच में भी नहा लिए और ये है नीलाद्री बीच, ये पर है। और हम लोग इधर से आए थे बट वहाँ उस टाइम एंट्री नहीं थे इधर से, तो फिर हम लोग उधर साइड से होते हुए निकल गए थे। बट अभी उधर से गोल्डन बीच से एंट्री किए 50 रुपीज का टिकट लेकर के और फिर इधर से एग्जिस्ट हो गए। अभी ये है नीलाद्री बीच, यहाँ पर मस्त बना हुआ है, ये तो लग ही नहीं रहा पूरी में, हम तो गोवा में वैसे लग रहे अभी। हाँ यहीं से हम लोग गए थे ना, तो ये रहा, अब यहीं से हम लोग गए थे। आप लोग देख सकते हैं ये वाला गेट है वहाँ एक, यहीं से हम लोग एग्जिस्ट किए थे उस टाइम, लेकिन उस टाइम समझ में नहीं आया, उस टाइम समझ में नहीं आया था कि कहाँ जाना है। और ये है नीलाद्री बीच का एंट्रेंस, जो यहाँ से जाके उधर नहा सकते हैं बीच में, नहीं फंसा के लाया है, देखते हैं कितना निकाला जा रहा है जाल से, कितना भारी क्वांटिटी में मछली है यहाँ पर देख सकते हैं, मस्त मस्त मछली आप देख सकते हैं, पूरा मछली मछली, क्या बात है, पूरा यहाँ पर मछली मछली है भैया, बहुत मजा आ रहा है। और यहाँ पर बहुत सारा मछली देखिए निकाला जा रहा है देख सकते हैं, पूरा मछली। और यहाँ पर ऊपर देखिए कौआ देख सकते हैं, यहाँ मछली
पूरा जबरदस्त है मछली भैया। और यहाँ देखिए यहाँ की लेडी लोग ले रही है मछली, यहाँ देख सकते हैं मछली मछली कर दिया यहाँ पर, इतना भारी मछली है। और ऊपर देखिए उड़ रहा है यहाँ का चील कौवा बहुत ज्यादा। देख सकते हैं पूरा यहाँ पर अभी भी भीड़ है। हाँ मछली वाला ये इधर एरिया है पूरा मछली मार मार के, पूरा मजा आ रहा है देखने के लिए। पूरा बाप रे इतना ज्यादा मछली मारा है, देख कर कितना बड़ा जाल पूरा उसमें भी मछली आ रही है। क्या मछली है सॉरी 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 कैसे बिकता है ये? एक पीस का 10 रुपए। बाप रे एक पीस के? तो सुन रहे हैं एक रुप एक पीस का 10 रुपया, सुन सोचिए। और इतना ज्यादा मछली है तब तो यहाँ 50,000 पीस है मछली। गए थे पर्सन कितना होता देखेगा, कहते से ऐसे कीचे मार के जाओ ये मशीन में चले जाएगा। मेहनत करिएगा तो लीजिएगा। अरे मेहनत कितना पर्सन होता है? ये है एक पीस का 10 तो 50,000 होगा। नहीं यार 50,000 पीस को 5 रुपए करके देंगे, 10 रुपए बोलेगा आप। ओ हाँ 5 रुपए करके देंगे नहीं तो 3 रुपए होगा। ऐसे ये लीलम होते ना मशीन मस्त लग रहा है तो लखपत हो जगह। हाँ वही ना मस्त लग रहा है देखने के लिए। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लोकल हमारे चाचा। हाँ नहीं हिरू सिरोज देखो हम जा बोल रहे हमारे पिछले में ना दिए ना बहुत परिश्रम ज्यादा। हाँ हाँ तुम आराम से पाट देखो पाट बढ़ता है घर से बैठ कर खाता है तुम। हाँ मेहनत वो लाने में बहुत मेहनत। ये परिश्रम मिलिट्री भी नहीं कर सकता। हाँ ये सही 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 कर सकता है मेहनत वाला काम है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर यहाँ ऊँट भी है लेकिन हम लोग ऊँट का सवारी नहीं किए अभी, मछली देख रहे हैं और अभी शाम में निकलेंगे फिर ऊँट का सवारी करेंगे। तो ठीक है फिर हम लोग चलते हैं। धन्यवाद चाचा।